दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे YouTube चैनल। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो देख रहे हैं होंडा SP 125 सीसी का जो बाइक है हमारे पास, क्योंकि अंडर 1 लाख के आसपास ही आपको आ जाती है इसकी। 100 प्राइस की बात कर ले तो काफ़ी ज़्यादा डिमांडेबल गाड़ी है। इतना ज़्यादा डिमांडेबल गाड़ी है कि कंपनी इसको प्रोवाइड नहीं करने पा रही, अच्छा सा इतना ज़्यादा डिमांडेबल आप समझ सकते हैं। तो वही चीज़ को देखते हुए आज हम इसका फुल रिव्यू करने आए हैं, फुल डिटेल इस गाड़ी का बताएंगे, टायर साइज़ कितना है, माइलेज कितना की देती है, फुल डिटेल आज के वीडियो में हम बताएंगे। इससे पहले अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा और अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले गाड़ी के फ्रंट सेक्शन से बात करें तो आपको यहाँ पे जस्ट देखने को मिल रहा है फ्रंट में ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में इसका वाइजर। वहीं पे होंडा की एक ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाती है। वहीं अगर इसकी बैक प्रोफाइल से बात कर ली जाए तो यहाँ पे दो कलर टोन में आपको एक नया चेंजमेंट देखने को मिल जाता है बैजिंग। साथ ही साथ इसका जो लुक है गाड़ी का काफ़ी ज़्यादा ऑसम है। वहीं फ्रंट सस्पेंशन की बात कर ली जाए तो टेलीस्कोपिक में आपको फ्रंट की सस्पेंशन देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ गाड़ी के फ्रंट फेंडर की बात कर ली जाए तो ये दो कलर टोन में आपको मिलते हैं। फर्स्ट ग्लॉसी रेड और जस्ट उसके नीचे मैट ब्लैक कलर टोन में आपको फेंडर देखने को मिल जाते हैं। वहीं टायर सेक्शन की बात कर ली जाए तो इसका जो टायर है 80x118 इंच में ट्यूबलेस टायर, जो कि फुली ब्लैक अलॉय व्हील के साथ आपको ये कंपनी प्रोवाइड करती है। 240 mm के डिस्क ब्रेक भी कंपनी प्रोवाइड करती है। वहीं ऑयल टैंक की बात कर ली जाए तो क्रोम फिनिश में होंडा की बैजिंग आपको देखने को मिल रही है। वहीं जस्ट ऊपर मैट ब्लैक फिनिश में इसका जो वाई ऑयल टैंक और बैजिंग के बीच का जो डिस्टेंस है काफ़ी ज़्यादा लुक इन्हेंस करती है। और ग्लॉसी रेड फिनिश में दो कलर टोन के साथ आपको देखने को मिल जाता ही है, जो कि वाइट और रेड की कॉम्बिनेशन में बैजिंग ब्रांडिंग देखने को मिल रही है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा इसका ग्राफिक्स बनाया गया, इसके लुक को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर देती है। वहीं ऑयल टैंक की कैपेसिटी की बात कर ली जाए तो 11 लीटर इसके फुल कैपेसिटी देखने को मिलती है। साथ ही साथ गाड़ी का लुक के बारे में बात करें तो काफी ज्यादा इसका लुक अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज्यादा ऑसम लुक लग रहा है। ये गाड़ी आपको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम के साथ कंपनी प्रोवाइड करती है। साथ ही रियर सेक्शन की बात कर ली जाए तो रियर सेक्शन में आपको देख सकते इसका एग्जॉस्ट जो कि फुली मैट ब्लैक कलर में क्रोम फिनिश के साथ इसके ऊपर का आता है गार्ड, जो कि काफी अच्छा लग रहा है। वहीं सस्पेंशन की बात कर ली जाए तो हाइड्रोलिक शॉक सस्पेंशन आपको देखने को मिल जाती है। वहीं रियर टायर साइज़ की बात कर ली जाए तो 80x118 इंच की फुल टायर साइज़ भी आपको इस गाड़ी में देखने को मिलेगी। वहीं डायमंड टाइप फैम में इसका बॉडी ट्यूबलेस टाइप में देखने को मिल जाता है। रियर ड्रम ब्रेक के साथ आपको इस गाड़ी में देखने को मिलेगी। वहीं गाड़ी की टोटल वेट की बात कर ली जाए तो 785 mm की टोटल वेट और टोटल लेंथ की बात कर ली जाए तो 2020 mm की लेंथ, हाइट 1103 mm की, ग्राउंड क्लियरेंस 160 mm की और टोटल वेट की बात कर ली जाए तो 118 kg की टोटल वेट इस गाड़ी में आपको कंपनी प्रोवाइड करती है। साथ ही रियर में देखें तो आपका जो टेल लाइट है, ग्रैब हैंडल है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एक बेहतरीन लुक के साथ आपको ये कंपनी प्रोवाइड करती है। सीट क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी की लगाई गई है। पीछे साइड्स में सेडी गार्ड की बात कर ले तो सेडी गार्ड भी बहुत ही अच्छा लगाया गया है। लेग गार्ड फुटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। चैन सॉकेट भी जो है आपका फुली कवर्ड चैन सॉकेट है। वहीं अगर गियर की बात कर ली जाए तो 5-speed टॉप गियर के साथ कंपनी प्रोवाइड करती है। साइड स्टैंड कट ऑफ भी आपको इस गाड़ी में कंपनी प्रोवाइड करती है। गाड़ी लुक वाइज बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। 125 cc सेगमेंट में बहुत ही अच्छा दमदार गाड़ी है। वहीं अगर इसकी मीटर कंसोल की बात कर ली जाए तो मीटर कंसोल में आपको स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, फ्यूल गॉज, टाइमिंग, न्यूट्रल, लाइटिंग और सेटअप मोड जो है सभी के सभी इस गाड़ी में आपको डिजिटल देखने को मिलते हैं, जो एक बेहतरीन लुक देती है। 125 cc इंजन के साथ साथ 10.8 PS की मैक्सिमम पावर, 10.9 Nm की मैक्सिमम टॉर्क, जो कि 6000 RPM पे वर्क करती है और 5-speed टॉप गियर के साथ कीक और सेल्फ का दोनों का इसमें देखने को सेगमेंट मिलता है। वहीं एक शोरूम की बात कर ली जाए तो 80,000 से 85,000 के आसपास इसकी एक शोरूम प्राइस आपको पड़ जाएगी। और ये गाड़ी हमको प्रोवाइड किया गया होराइजन होंडा डाल्टनगंज पलामू झारखंड से। जानते हैं एग्जॉस्ट कैसा है, एग्जॉस्ट का साउंड क्वालिटी कैसा है। ये देख सकते हैं इसका एग्जॉस्ट, तो गाइस फाइनली इसका आपने एग्जॉस्ट सुन लिया, साउंड क्वालिटी सुन लिए, प्राइस आपको हमने बता दिया, गाड़ी के फुल डिटेल बता दिए।
तो वीडियो आपको पसंद आया होगा तो एक प्यारा सा कमेंट करिएगा, और हाँ चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।